हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप खैरियत से होंगे। जब हम सोशियोलॉजी की कोई किताब पढ़ रहे होते हैं, स्पेशली जब हम इंग्लिश की किताबें पढ़ रहे होते हैं, तो हमें बातें समझ तो आ रही होती हैं, बट बहुत सारी ऐसी टर्म्स होती हैं जो हमें नहीं समझ आती हैं। और इसकी वजह ये है कि वो टर्म्स बेसिकली सोशियोलॉजिकल टर्म्स होती हैं और उनके मीनिंग्स भी सोशियोलॉजिकल होती हैं होते हैं। वो एक कॉन्सेप्ट होती हैं एक तरह से, जिनको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट को, ओवरऑल टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर सकें। एक प्लेलिस्ट ऐड कर रही हूँ आज चैनल में बाय द नेम ऑफ ग्लॉसरी ऑफ सोशियोलॉजी, जिसमें ऑन द डेली बेसिस आई विल बी अपलोडिंग फ्यू टर्म्स, फ्यू बेसिक टर्म्स दैट आर यूज्ड इन सोशियोलॉजी रोज़ाना। कभी थ्योरी से रिलेटेड, कभी बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, कभी रिसर्च से रिलेटेड कुछ टर्म्स को एक्सप्लेन किया करूँगी, उस ग्लॉसरी के अंदर ऐड किया करूँगी, ताकि आप उस ग्लॉसरी को भी गो थ्रू करते रहें और आप डिफरेंट टर्म्स को अंडरस्टैंड कर सकें, ताकि कभी भी अगर आप कोई बुक रीड कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम ना हो इन टर्म्स को समझने में। इस वीडियो के अंदर भी कुछ बेसिक टर्म्स यूज़ की हैं जिनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कल्चर क्या होता है? कल्चर और इसकी डिफरेंट टाइप्स, इसके अंदर मौजूद डिफरेंट एलिमेंट्स और डिफरेंट नॉर्म्स, नॉर्म्स की टाइप्स, एग्जांपल्स, इस सब से रिलेटेड वीडियो मौजूद है चैनल पे। इन डिटेल आप विज़िट कर सकते हैं। फ़िलहाल अगर आम अल्फाज में समझा जाए तो कल्चर का मतलब होता है वो सारे शेयर्ड एटीट्यूड्स, वैल्यूज़, गोल्स और प्रैक्टिसेस जो कि बेसिकली आइडेंटिफाई करते हैं किसी एक ख़ास इंस्टीट्यूशन को, ऑर्गेनाइजेशन को या ग्रुप को। यानी आप किसी भी माशरे में चले जाएं, कोई माशरा भी कल्चर के बगैर, आपको पता है, नहीं चल सकता। कल्चर आपको ज़बान देता है बोलने के लिए, आपको सिंबल्स देता है इंटरप्रीट करने के लिए। कल्चर गिव्स यू ड्रेस कोड, या आपको फूड प्रोवाइड करता है, डिफरेंट टाउन्स, बिल्डिंग्स, ये सब चीज़ें आपके कल्चर से रिलेटेड होती हैं और ये आपको ये खास आइडेंटिटी देती हैं। यानी अगर मैं बड़ी बड़ी इमारतों की बात करूं तो आप समझ जाएंगे मैं दुबई की बात कर रही हूं। अगर मैं अजरक की बात करूं तो आप समझ जाएंगे मैं सिंधी कल्चर की बात कर रही हूं। हर कल्चर की अपनी अपनी शनाख्त है, उसमें मौजूद अपने अपने करेक्टरिस्टिक्स हैं, फिर हर कल्चर के अपने अपने एटीट्यूड्स हैं। कहीं पर अगर हाथ मिलाने को और हाथ पे किस करने को सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट समझते हैं, तो कहीं पे किसी को झुक कर ग्रीट करने को सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट और सिंबल ऑफ ग्रीटिंग समझा जाता है। कि कहीं पर अगर किसी कल्चर में आई टू आई कांटेक्ट करने को अच्छा समझते हैं, तो कहीं पे आई एवर्ट करने को रिस्पेक्टिंग सिंबल समझा जाता है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कि किस तरह से हर कल्चर का अपने अपने कोई ख़ास शेयर्ड एटीट्यूड्स होती हैं, वैल्यूज़ होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं, कुछ खास प्रैक्टिसेस होती हैं, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, ये सारी चीज़ें मिलकर कल्चर बना रही होती हैं। अच्छा, कल्चर का फंक्शन क्या है? देखें, डिफरेंट ग्रुप्स हों या सोसाइटीज़ हों, उनको अपनी एक शनाख्त चाहिए, अपनी एक कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ताकि एक सेंटिमेंट ऑफ यूनिटी हो, ताकि हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट करे और उनकी जो कल्चरल नीड्स हैं वो पूरी हो सकें। मिसाल के तौर पर अगर सिंधी कल्चरल डे है और उसमें लोग सकाफ़ती लिबास पहन कर जाते हैं, अजरक और डिफरेंट ड्रेसिंग पहन कर जाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो एक सेंस ऑफ यूनिटी शो कर रहे हैं, डेट वी आर सिंधी, वी बिलोंग टू ईच अदर। कहीं पर अगर फॉर इंस्टेंस अगर आप सोसाइटल लेवल पे बात करें, अगर 14 अगस्त का फंक्शन है और उसमें सारे जितने भी पाकिस्तानीज हैं वो सब जाकर मिलकर जाते हैं, तो बेसिकली दे आर शोइंग अ सॉर्ट ऑफ यूनिटी, अ सॉर्ट ऑफ सपोर्ट। यहीं पे अगर आप कश्मीर इशू की बात करें, अगर आपने कश्मीर और पाकिस्तान के झंडे को मिलाकर एक झंडा बना दिया है, तो इसका मतलब आप बता रहे हैं सॉलिडेरिटी फॉर कश्मीरी पीपल। तो आप सिंबलाइज कर रहे हैं, आप यूनिटी शो कर रहे हैं। तो इसी तरह से कल्चर जो होता है, कल्चर के अंदर भी कुछ खास करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि लोगों में सिमिलर हैं और हम एक अपने से सिमिलर लोगों को पसंद कर रहे होते हैं। कल्चर का फंक्शन ये होता है कि लोगों के अंदर यूनिटी और सपोर्ट को प्रमोट करना। अब कल्चर दो तरह का होता है, एक मटेरियल और एक नॉन मटेरियल। मटेरियल कल्चर के अंदर आपके फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, आप फूड की बात कर लें, क्लोथिंग की बात कर लें, आप बिल्डिंग्स की, टाउन्स की, अपने ट्रांसपोर्ट्स वगैरह की बात कर लें। और जो नॉन मटेरियल कल्चर है, इसमें आपकी नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ आते हैं। अच्छा, नॉर्म्स क्या हैं? देखें, सबसे पहले वैल्यूज़ को समझते हैं। वैल्यूज़ हैं एक स्टैंडर्ड आइडियल्स, और नॉर्म्स क्या होता है? उन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग जब आप बिहेव कर रहे होते हैं, जैसा बिहेवियर आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है, वो नॉर्म्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी सोसाइटी के अंदर, एक मतलब पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर वैल्यू है पॉलीगैमी।
तो पॉलीगेमी का मतलब है कि एक वैल्यू बन चुकी है, जिसका मतलब है कि यू आर अलाउड टू हैव मोर देन वन पार्टनर्स एट अ टाइम। मर्दों को चार शादियां जायज़ हैं। अच्छा, अब इस यही एग्जांपल को आप अप्लाई करें वेस्टर्न सोसाइटीज़ के अंदर, वहाँ पे एट अ टाइम यू कैन हैव ओनली वन पार्टनर, दैट इज़ देयर वैल्यू, मोनोगेमी। तो इन वैल्यूज़ के अंदर रहते हुए आपने कैसे बिहेव करना है, मीन्स अगर आपकी शादी होती है तो आपको कैसे बिहेव करना है अपने हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, चिल्ड्रन के साथ। ये जो बिहेवियरल एक्सपेक्टेशंस हैं ये नॉर्म्स कहलाते हैं। यानी वैल्यूज़ स्टैंडर्ड आइडियल्स होते हैं, वैल्यूज़ कॉन्सेप्शंस होती हैं कि क्या अच्छा है, क्या डिज़ायरेबल है, क्या प्रॉपर है, या फिर क्या चीज़ बुरी है, क्या अनडिज़ायरेबल है, या फिर क्या इम्प्रॉपर है। जबकि नॉर्म्स जो होते हैं वो एक्सेप्टेड बिहेवियर्स होते हैं, जिनको आपने फॉलो करना होता है, जो आपसे एक्सपेक्ट किए जा रहे होते हैं। और अगर आप इन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं बिहेव करते तो आपको डिवियंट समझा जा रहा होता है, मीन्स आप वायलेट कर रहे होते हैं नॉर्म्स को। अब नॉर्म्स की टाइप्स पे आ जाते हैं। नॉर्म्स की एक टाइप है फोक फेस। फोक फेस का मतलब होता है ऐसे नॉर्म्स जो कि आपके डे टू डे बिहेवियर्स को गवर्न करते हैं, लेकिन अगर आप इन नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते तो कोई बहुत ख़तरनाक किस्म की आपको सज़ा नहीं मिलती है। हाँ, आपको बुरा समझा जाएगा, मे बी यू वुड फेस कोई ऐसा, कोई आपको कमेंट कर दे, कोई आपको बुरा भला कह दे, कोई आपसे ऐसा अजीब सा फेस बना दे, अजीब से एक्सप्रेशन दे दे, आई रोल कर दे, बट इस इन नॉर्म्स की वायलेशन पे आपको कोई जेल में नहीं डालता। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी की शादी पे जाते हैं और उनको खाली एनवेलप दे देते हैं तो वो आपको जेल में नहीं डालेंगे। हाँ, ये बुरा समझा जाएगा बट बहुत सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे। इसी तरह से अमेरिका के अंदर ये है कि इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टू बर्प। बर्प जो है अप्रोप्रिएट नहीं है अगर आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं, बट इफ़ यू आर डूइंग दैट सो इट्स ऑल राइट, बट इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, लेकिन इसकी कोई ख़ास पनिशमेंट नहीं है। सो फोकस वो होते हैं जिनको जो आपके बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं, डे टू डे बिहेवियर्स को, और ये हर सोसाइटी में अगेन डिफरेंट होते हैं, बट अगर आप इनको फॉलो नहीं करेंगे तो कोई सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते हैं। देन बात करेंगे एक और टाइप ऑफ नॉर्म की, जो है लॉज। लॉज जो है बेसिकली आपको बिहेवियर को कंट्रोल करने का तरीका है गवर्नमेंट की तरफ से। लॉज रिटन होते हैं, प्रिस्क्राइब्ड होते हैं, और अगर आप इन लॉज को तोड़ते हैं तो आपको सैंक्शंस लगते हैं आप पे, आपको सज़ा हो सकती है, जेल हो सकती है। अगर आपने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर लिया है तो आपको, आपने किसी की जान ले ली है, मर्डर कर दिया है, तो आपको सज़ाए मौत भी हो सकती है। मीन्स ऐसी सारी चीज़ें जो कि आपका स्टेट, आपकी गवर्नमेंट आपको बताती है कि आपने ये फॉलो करना है वरना आपको पनिश किया जाएगा, वो लॉज कहलाते हैं। देन एक और टाइप है मोरेज की। मोरेज भी दे आर ऑल्सो वेरी नेसेसरी फॉर दी वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। और मोरेज के अंदर, क्योंकि नेम से ही शो हो रहा है मोरेलिटी, यानी कि इसमें आपका रिलीजन भी इन्वॉल्व हो सकता है, और अगर आप इनको ब्रेक करते हैं तो भी सिवियर कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। मिसाल के तौर पे इस्लाम मज़हब के अंदर वो आपको डरा रहे होते हैं, आपको बताया जा रहा होता है कि अगर आप किसी की बैक बाइटिंग करेंगे, चुगली करेंगे, किसी की गीबत करेंगे तो इसका मतलब है आप अपने भाई का कच्चा गोश्त खा रहे हैं। सो इस तरह की चीज़ें जिन पे आपको बहुत स्ट्रिक्टली रोका जा रहा होता है। उसके बाद अनदर एग्जाम्पल इज एथोस। एथोस क्या होते हैं? देखिए, एथो वर्ड का मतलब होता है करेक्टर, एंड इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब दी गाइडिंग बिलीव्स और आइडियल्स दैट करेक्टराइज अ कम्युनिटी, नेशन और आइडियोलॉजी। जहाँ पे आप एथोस बेसिकली डिस्क्राइब करते हैं, करेक्टराइज करते हैं आइडियल बिलीव्स को किसी भी कम्युनिटी, नेशन और आइडियोलॉजी के, जहाँ पे आप अपने कल्चर को, अपनी कम्युनिटी को, अपनी नेशन या आइडियोलॉजी को प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं। और इसकी बहुत, अगर नॉर्मल मिसाल आप ले लें, आपने बहुत सारे ऐसे कमर्शियल्स देखे होंगे टूथपेस्ट वगैरह के, जिसमें वो कहते हैं कि हर 5 में से 4 डेंटिस्ट जो हैं वो हमारा टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। सो ये इट इज़ अ बेसिकली एन एथो, जहाँ पे आप अपनी चीज़ को, अपनी कम्युनिटी को, अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर बात करते हैं रियल कल्चर की। रियल कल्चर का मतलब होता है द वे पीपल एक्चुअली बिहेव, और आइडियल कल्चर वो होता है द वैल्यूज टू विच अ कल्चर एस्पायर्स। ये दोनों को एक साथ समझें। मीन्स एक सोसाइटी अगर बताती है कि हमारे ये नॉर्म्स हैं, हम ये चीज़ें फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली, वो आइडियल कल्चर है। बट एक्चुअल में लोग क्या फॉलो करते हैं, मीन्स हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, ये वो वाली चीज़ है कि आइडियल कल्चर आप क्या बता रहे हैं कि हमारा कल्चर बेसिकली क्या है, और रियल कल्चर वो है कि क्या एक्चुअली आप उस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं या फिर आप डिफरेंट वे में फॉलो कर रहे होते हैं।
अब बात करते हैं सब कल्चर की। सब कल्चर वो कल्चर होता है, वो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिनकी करेक्टरिस्टिक्स, जिनकी खसूसियात लार्जर कल्चर से, मेजॉरिटी कल्चर से डिफरेंट होती हैं, डिफरेंशिएट कर रही होती हैं। मिसाल के तौर पे US के अंदर आप हिपीज की एग्जांपल ले लें, आप बाइकर गैंग्स की एग्जांपल ले लें, जिनके अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो बाकी सोसाइटी से डिफरेंट होती हैं। फिर काउंटर कल्चर की बात करते हैं, ये वो कल्चर है जो बाकी सोसाइटी से डिफरेंट होने के साथ साथ उनको अपोज भी कर रहा होता है, उनके अगेंस्ट होता है। मीन्स ये पूरी ओवरऑल सोशल मेन स्ट्रीम से, ओवरऑल मेजोरिटी कल्चर से अगेंस्ट होता है, उसके खिलाफ होता है, अपोज कर रहा होता है, मुखालफत कर रहा होता है। और इसकी मिसाल में आप फेमिनिस्ट ग्रुप्स ले सकते हैं। मीन्स जितने भी फेमिनिस्ट ग्रुप्स हैं, फेमिनिज्म है, ये बेसिकली इसका राइज क्यों हुआ, जहाँ पे ये खास ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली वुमेन को ऐसा लगा कि नहीं, हम हमारे जो जो भी हमारे राइट्स हैं उनको वायलेट किया जा रहा है, हम डिस्क्रिमिनेटेड हैं। सो ये सारी चीज़ें जब उन्होंने फील की, इसके बाद वो अगेंस्ट हो गए ओवरऑल सोसाइटी के, उन्होंने अपनी मूवमेंट स्टार्ट की। सो डैट इज़ वट यू कॉल काउंटर कल्चर। कल्चरल डाइवर्सिटी या फिर मल्टी कल्चरलिज्म की बात करें तो इसका मतलब होता है, जैसे आप किसी दुकान पर जाते हैं तो आपको कपड़ों की वैरायटी देता है, बिल्कुल वैसे ही सोसाइटी में भी कल्चर्स की, रिलीजन्स की, रेसेस की, लैंग्वेजेस की वैरायटी है, डाइवर्सिटी है। और एक आप ये इस तरह समझें कि एक सैलेड का, एक बाउल ऑफ सैलेड है जिसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं और हर इंग्रेडिएंट का अपना अपना टेस्ट है, जो कि ओवरऑल मिलके पूरे एक सैलेड को टेस्ट दे रहा है। सिमिलरली डिवर्सिटी या मल्टी कल्चरलिज्म का भी यही मतलब है कि एक ही सोसाइटी के अंदर डिफरेंट किस्म के कल्चर्स मौजूद हैं जो कि साथ मिलकर सोसाइटी को एक नया रंग दे रहे होते हैं। जैसे आप पाकिस्तानी सोसाइटी की बात कर लें, यहाँ आपको कितने डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स मिलेंगे, कितनी लैंग्वेजेस बोलने वाले, कल्चर्स को मानने वाले, आपको वैरायटी नज़र आएगी। इसको कल्चरल डाइवर्सिटी कहा जाता है। कल्चरल इंपेरियलिज्म की बात करें तो इसका मतलब होता है जहाँ पे एक कल्चर जानबूझकर कोई ऐसी पॉलिसीज बनाए, कुछ भी ऐसा करे जिसके थ्रू वो अपने कल्चर को दूसरे कल्चर्स के ऊपर डोमिनेंट शो करने की कोशिश करे। इसमें आप सबऑर्डिनेट ग्रुप्स की भी मिसाल ले सकते हैं कि उनको एक ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन समझना और उन पे ऐसी पॉलिसीज बनाना जिसके थ्रू आप अपनी सुपीरियरिटी को शो कर सकें। एथनोसेंट्रिज्म का मतलब होता है जहाँ पे आप ये समझें कि आपका कल्चर दूसरों के कल्चर से सुपीरियर है। फॉर एग्जांपल, छोटी सी मिसाल है, अपने ही कंट्री में ले लेते हैं, इफ़ आई एम पंजाबी एंड इफ़ समवन इज सिंधी, सो जो हमारे जो शादी के रस्म व रिवाज हैं वो तो बहुत बेहतरीन होते हैं, सिंधियों की जो शादियाँ हैं वो अच्छी नहीं होती, या पंजाबियों की शादियाँ अच्छी नहीं होती, या फलानी ज़बान बोलने वालों की शादियाँ जो हैं वो, उनके रिवाज, उनके कस्टम्स मुझे पसंद नहीं हैं, हमारे वाले अच्छे होते हैं। तो जहाँ पे आप ये सोचें कि आपका कल्चर सुपीरियर है, आप अज्यूम कर लें, और सामने वाला कल्चर जो है वो इंफीरियर है, सो ऐसी कंडीशन को एथनोसेंट्रिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट है सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप से रिलेटेड भी, सोशल ग्रुप क्या होते हैं, इनकी कौन सी टाइप्स हैं, कैसे बनते हैं, स्टेप्स कौन कौन से हैं फॉर्मेशन के, एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल में वीडियो मौजूद है चैनल के अंदर, आप प्लीज़ उसे विजिट कर लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो। फिलहाल शॉर्टली अगर देखा जाए तो सोशल ग्रुप का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा लोग जो एक साथ मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उनकी कोई खास कॉमन करेक्टरिस्टिक्स होती हैं और उनमें एक सेंस ऑफ यूनिटी होता है। और सोशल ग्रुप्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, मिसाल के तौर पर प्राइमरी ग्रुप्स, वो स्मॉल ग्रुप्स जिनमें इंटीमेट या क्लोज रिलेशंस होते हैं, जैसे कि फैमिली। सेकेंडरी ग्रुप्स वो होते हैं जो कि लार्ज ग्रुप्स हैं और जिनमें फॉर्मल रिलेशनशिप्स होते हैं, फॉर्मल इंस्टीट्यूशनलाइज रिलेशनशिप्स होते हैं, मिसाल के तौर पे स्पोर्ट टीम। इन ग्रुप वो होता है, देखिए इन ग्रुप वो है जिससे मैं बिलोंग करती हूँ, और मींस फीलिंग ऑफ वी और अस। और आउट ग्रुप वो है जिससे कोई और बिलोंग करता है, मैं बिलोंग नहीं करती, मींस फीलिंग ऑफ दे और देम। मिसाल के तौर पर दो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट के ग्रुप से मैं बिलोंग कर रही हूँ, तो जिस ग्रुप से मैं बिलोंग कर रही हूँ वो मेरा इन ग्रुप है, और जो सामने वाला स्टूडेंट्स का ग्रुप है वो आउट ग्रुप है। देन रेफरेंस ग्रुप को साइकोलॉजिकल ग्रुप भी कहते हैं, और इसकी वजह ये है कि इसमें आप ग्रुप के बजाय इंडिविजुअल को भी कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि ऐसा पॉइंट आ जाए जहाँ पे एक इंडिविजुअल के ओपिनियंस, उसकी टेंडेंसी, उसका बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो रहा हो किसी सामने वाले इंडिविजुअल या ग्रुप की वजह से। इसको साइकोलॉजिकल ग्रुप भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लाजमी नहीं है कि आप एक ग्रुप से इन्फ्लुएंस हों, बल्कि आप एक इंडिविजुअल से भी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई सेलिब्रिटी है जो पसंद है आपको, हीरो हीरोइंस वगैरह हैं जो आपको पसंद है, तो आप उनकी जैसी ड्रेसिंग कर रहे हैं, उनके जैसा हेयर स्टाइल कर रहे हैं, तो वो आपका रेफरेंस ग्रुप हो जाएगा, साइकोलॉजिकल ग्रुप हो जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल है
एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जिनका आपको ड्रेस कोड, वे ऑफ टॉकिंग, एवरीथिंग आपको पसंद है, आप उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, आप वेस्टर्न ड्रेस कोड अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। सो जहाँ पे आप किसी भी खास ग्रुप या इंडिविजुअल से इन्फ्लुएंस होके उसी की तरह अपने बिहेवियर्स को शेप करना स्टार्ट कर दें, वो रेफरेंस ग्रुप कहलाता है। स्टेटस ग्रुप जो है, ये दिस टर्म वॉज गिवन बाय मैक्स वेबर, और उनके अकॉर्डिंग स्टेटस ग्रुप का मतलब होता है वो लोग जिनकी रिगार्डलेस ऑफ क्लास पोजिशन, जिनकी प्रेस्टीज या लाइफ स्टाइल सेम हो, नॉट क्लास, नॉट सोशल क्लास, बल्कि जिनका लाइफ स्टाइल या प्रेस्टीज सेम हो उनको सोशल ग्रुप कहते हैं। मिसाल के तौर पे ट्रेड यूनियंस वगैरह या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस वगैरह की मिसाल इसमें आप ले सकते हैं। सोशल स्टेटस क्या होता है? कोई भी ऐसी सोशल पोजिशन जो आपको सोसाइटी में मिलती है वो आपका स्टेटस होता है। स्टेटस दो टाइप का है, अचीव्ड है और एस्क्राइब्ड है। अचीव्ड स्टेटस का मतलब होता है जो आपने अपनी मेहनत से खुद हासिल किया हो, जबकि एस्क्राइब्ड स्टेटस वो होता है कि भाई आप किसी पॉलिटिशियन की फैमिली में पैदा हो गए और अब आपने भी पॉलिटिशियन ही बनना है, हीरो की फैमिली में पैदा हो गए तो आपने भी आगे जाके एक्टिंग ही करनी है। मीन्स ऐसा स्टेटस जो आपको बाय बर्थ मिलता है, आपने खुद हाथ पैर नहीं चलाए। फिर फैमिली क्या है? फैमिली एक सेट ऑफ रिलेशनशिप ऑफ पीपल है जहाँ पे लोग एक दूसरे से ब्लड के थ्रू, एडॉप्शन के थ्रू, मैरिज के थ्रू या किसी भी एग्रीड अपॉन रिलेशनशिप के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? रिप्रोडक्शन एंड अपब्रिंगिंग ऑफ देयर चिल्ड्रन। इसके अलावा और भी बहुत सारे रोल्स हैं फैमिली के, अगर आपको मज़ीद जानना है तो फैमिली से रिलेटेड भी वीडियो मौजूद है, आप देख लीजिएगा। न्यूक्लियर फैमिली जो आज के दौर में आइडियल फैमिली समझी जाती है, ये वो फैमिलीज होती हैं जहाँ पे सिर्फ माँ बाप और उनके अनमैरिड बच्चे रह रहे होते हैं, ऐसी फैमिलीज को न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है। अच्छा जी, सोसाइटी क्या है? सोसाइटी ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, जिनके म्यूचुअल गोल्स हैं, जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरेक्टेड हैं, इंटरेक्शन हो रहा है, और इन ग्रुप्स के अंदर डिस्टिंक्टिव कल्चर्स हैं और डिस्टिंक्टिव इंस्टीट्यूशंस हैं। मीन्स अ वेब ऑफ रिलेशनशिप, यहाँ पे सब लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, यूनिटी है, इंटरेक्शन है, बट लोगों के डिफरेंट कल्चर्स हैं। मींस एक माशरे में आपको कल्चरल डाइवर्सिटी नज़र आती है, डिफरेंट कल्चर के मानने वाले, डिफरेंट रिलीजन के मानने वाले लोग मौजूद हैं। सोशलाइजेशन क्या होता है? सोशलाइजेशन से रिलेटेड भी डिटेल में अलॉन्ग विद एजेंट्स, एग्जाम्पल्स, टाइप्स वीडियो मौजूद है, आप देख लें। शॉर्ट फॉर्म में अगर देखा जाए तो सोशलाइजेशन का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इंडिविजुअल्स एटीट्यूड्स को, वैल्यूज़ को और एक्शंस को लर्न करते हैं ताकि वो एक हेल्दियर मेंबर ऑफ सोसाइटी, एक्सेप्टेबल मेंबर ऑफ सोसाइटी बन सकें। सोशलाइजेशन के प्रोसेस में बेसिकली माँ बाप या हमारे जो बड़े होते हैं वो बच्चों तक अपना कल्चर ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, हमें सिखाया जा रहा होता है अपने कैसे बिहेव करना है, क्या चीज़ एक्सेप्टेबल है, वट आर दी डूज एंड डोंट्स ऑफ सोसाइटी। सो इट इज़ अ प्रोसेस जिसमें एक इनोसेंट बच्चा एक स्किल्ड और लर्न मेंबर ऑफ सोसाइटी बन जाता है। सोशल चेंज क्या है? जब आप सोशल ऑर्डर के अंदर ऑल्ट्रेशंस या मॉडिफिकेशंस देखें तो इसको सोशल चेंज कहते हैं, और वो किसी भी तरह का हो सकता है। सोशल स्ट्रक्चर पैटर्न सोशल अरेंजमेंट्स हैं, यानी अगर आप सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी के दो मेन कंपोनेंट्स हैं, एक कल्चर है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, एक है सोशल स्ट्रक्चर, यानी हर सोसाइटी के अंदर एक सोशल अरेंजमेंट होती है, एक पैटर्न होता है जो कि कुछ लोगों को या उनके ग्रुप्स के रिलेशनशिप्स को, डेफिनेट रिलेशनशिप्स को डिटरमिन कर रहा होता है। सोशल कंट्रोल क्या है? वो तरीक़ेकार जिनके थ्रू आपको डिवियंट बिहेवियर से रोका जा रहा होता है, जिनके थ्रू आपको मजबूर किया जा रहा होता है कि आपने नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बिहेव करना है, और अगर आप वायलेट करेंगे तो आपको सज़ा दी जा रही होती है। मीन्स ऐसा तरीक़ाकार जिसके थ्रू डिवियंट बिहेवियर को रोका जाए और आपको आपके बिहेवियर को रेगुलेट किया जाए, वो सोशल कंट्रोल कहलाता है। एंड लास्ट टर्म फॉर टुडे इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन से रिलेटेड भी वीडियो मौजूद है डिटेल में, आप ज़रूर विजिट कीजिए। इन शॉर्ट अगर बात की जाए तो स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब है रैंकिंग ऑर्डर, जहाँ पे लोगों को उनके डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से एक रैंकिंग ऑर्डर के अंदर रखा जाए। कोई अपर क्लास में आ रहा है, कोई लोअर में आ रहा है, कोई मिडिल में आ रहा है, एक हायरार्की है, एक रैंकिंग ऑर्डर है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग उनको इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स और पावर दी जाए सोसाइटी में। सो इस प्रोसेस को सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहा जाता है। दिस वॉज ऑल अबाउट द ग्लॉसरी ऑफ सोशियोलॉजी फॉर टुडे। आई होप इट वॉज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच। टेक केयर। हैव अ गुड टाइम।